हेलो एवरीवन आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एन सी आर टी क्लास फोर्थ का चैप्टर पिनोक्यो वंस अपन अ टाइम एन ओल्ड कारपेंटर वॉट अ वेरी क्वीर पीस ऑफ वुड एक बार की बात है एक ओल्ड कारपेंटर कारपेंटर वो जो होते हैं वो लकड़ी का काम करते हैं एक लकड़ी का काम करने वाला कारपेंटर एक लकड़ी का टुकड़ा लेके आया जो बहुत ही अजीब सा था एज ही यूज हिज प्लेन ऑन इट ही हर्ड अ लिटिल लाफिंग वॉइस जैसे ही उसने अपनी जो आरी होती है उसको उस पर यूज़ किया उस वुड पे, जो लकड़ी का टुकड़ा वो लाया था उसमें से एक हंसने की आवाज़ आई और वो आवाज़ बोली स्टॉप यू आर टिकलिंग मी रुक जाओ तुम मुझे गुदगुदी कर रहे हो टिकलिंग का मतलब होता है गुदगुदी द ओल्ड मैन वॉज पजल्ड बाय द वॉइस जो ओल्ड मैन था बूढ़ा आदमी था वो बिल्कुल परेशान सा हो गया एक ऐसी आवाज़ आ रही है ही सेड दिस इज अ स्ट्रेंज पीस ऑफ फूड उसने कहा ये तो बड़ा अजीब सा लकड़ी का टुकड़ा है वॉट शेल आई डू विद इट मैं इसके साथ अब क्या करूँ आई थिंक आई विल मेक अ पपेट फिर उसने सोचा कि मैं इसकी एक कठपुतली बना देता हूँ पपेट का मतलब होता है कठपुतली ही सेट टू वर्क एंड एज द पपेट बॉय टुक शेप द ओल्ड मैन सेट ही मस्ट हैव अ नेम आई विल कॉल हिम फिर उसने सोचा था ना कि हम इस लकड़ी के टुकड़े का कठपुतली बना देंगे पपेट बना देंगे तो जैसे जैसे वो पपेट को बनाने लगा वो एक बॉय की शेप देने लगा उसे फिर उसने सोचा मुझे इसका कुछ नाम भी रखना चाहिए तो उसने उसका नाम रख दिया पिनोक्यो As as soon फिनिश मेकिंग द the द कार्पेंटर वॉज अमेज टू सी दूव और जैसे ही उसने उसकी आँख बना कर कंप्लीट करी पूरी हो गई आँख तभी देखा कि वो आँखें जो हैं वो इधर उधर घूम रही हैं Before the mouth was made, it began to laugh. Stop laughing, the old man said. और जैसे ही उसने माउथ मतलब पूरा भी नहीं हुआ था उससे पहले ही वो जो माउथ था वो हंसने लगा तो ओल्ड मैन ने कहा कि मत हंसो मत चुप रहो

उसकी जो टंग थी वो बाहर निकल गई और उसकी जो नाक थी वो और लंबी-लंबी होने लगी नो सूनर वर इट्स हैंड रेडी देन इट्स स्नैच ऑफ द कार्पेंटर्स विक एंड पुट इट ऑन इट्स ओन हैड और जैसे ही उसके हाथ बने तभी तो उसने क्या किया जो कारपेंटर ने अपने सर पर एक बालों का विक लगाया हुआ था उसको खींचा और अपने सर पर रख लिया एंड देन पिनोक्यो स्नोज ग्रो लॉन्गर और फिर जो पिनोक्यो था उसकी नाक और लंबी होने लगी वेन इट्स लैक इन फीट वर मेड देवर टू स्टिफ टू यूज़ और जब उसके आ, पैर बनाए गए तो बहुत ज़्यादा मतलब अकड़े अकड़े से थे जिसको यूज़ नहीं किया जा सकता जा था बहुत ही ज़्यादा अकड़न वाले थे सो द कारपेंटर शोट पिनोक्यो हाउ टू यूज दैम तो कारपेंटर ने एक पिनोक्यो को सिखाया कि वह किस तरीके से इस्तेमाल कर सकता है नाउ द कारपेंटर डिसाइडेड टू सेंड पिनोक्यो टू स्कूल अब कारपेंटर ने सोचा कि अब मैं पिनोक्यो को स्कूल भेज देता हूँ बट देयर पिनोक्यू डिट न थिंग बट लुक फॉर फन बट वहाँ पर पिनोक्यो कुछ भी नहीं करता था और सिर्फ मजे करने के लिए इधर उधर चीज़ें ढूंढता रहता था ही अ रैन अवे फ्राम द स्कूल और वो अक्सर स्कूल से भाग जाया करता था वाई डोंट यू गो टू स्कूल एस दार्पेंटर तो कारपेंटर पिनोकियों से पूछता है कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो पिनोकियों टोल ढीमियो झूठ बोल देता है एंडर एंड लॉन्गर और उसकी जो नाक होती है वो और लंबी होती जाती है होती जाती है एच टाइम ही टोलो लॉन्गर और हर बार जब पिनोकियों किसी को परेशान करता था या फिर झूठ बोलता था तो उसकी नाक और लंबी हो जाती थी फाइनली पिनोकियो सेट आई एम ग्लैड टू बी अ रियल बॉय आई विल नेवर लाई अगेन फिर फाइनली अंत में जाकर पिनोकियो ने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ कि मैं एक बॉय हूँ और मैं अब कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा तो इस स्टोरी का मॉरल क्या है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए और किसी को परेशान नहीं करना चाहिए नहीं तो पिनोकियो की तरह हमारी नाक भी लंबी हो जाएगी <laughs> चलिए देखते हैं कौन कौन से वर्ड सीखे हमने um, कापेंटर कापेंटर का मतलब होता है जो लकड़ी का काम करते हैं वो उनको कारपेंटर बोलते हैं क्वीर का मतलब होता है कोई अजीब सी चीज़ प्लेन का मतलब होता है बिल्कुल जिसमें कुछ ऊपर खाबट चीज़ ना हो समतल हो उसे प्लेन बोलते हैं पजिट का मतलब होता है कंफ्यूज हो जाना ये चीज क्या हो रही है कुछ समझ ना आना पपेट तो कटपुतली होती है टुक शेप मतलब उसको एक ढांचा देना शेप में बनाना जैसे उसने कारपेंटर ने पिनोकियों को बनाया था अमेज का मतलब हैरान हो जाना फिनिश का मतलब खत्म होना स्टिफ का मतलब बहुत ज़्यादा कैड़ा होना डिसाइड का मतलब निर्णय लेना अब देखते हैं इसके क्वेश्चन वट डिड द कारपेंटर बाय द कारपेंटर बॉट अ पीस ऑफ वर्ड वट डिड ही मेक आउट ऑफ इट ही मेक अ पपेट आउट ऑफ इट वट डिड ही कॉल हिज पपेट ही कॉल हिज पपेट पिनोकियो वॉट डिड पिनोकियो से इन द एंड इन द एंड क्या कहा था पिनोकियों ने इन द एंड पी नोक यू सेट देट आई एम ग्लैड टू बी अ रियल बॉय आई विल नेवर लाई अगैन मुझे खुशी है मैं एक रियल बॉय हूँ और मैं अब कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा तो हो गया हमारा चैप्टर कम्प्लीट कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए थैंक यू सो मच